करण जौहर ने रणबीर और आलिया भट्ट को डेडिकेट किया है गाना। साल 2018 न सिर्फ मेगा वेडिंग्स के लिए मशहूर रहा बल्कि सेलिब्रिटी कपल्स का लिंकअप भी लगातार सुर्खियों में रहा। प्रियंका चोपड़ा जहां एक जोनास संग शादी के बंधन में बंध गई, उधर दीपिका पादुकोण ने रणबीर सिंह से इटली में रॉयल अंदाज में शादी की। इन सबसे अलग रणबीर कपूर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप में नजर आए। दोनों जल्द ही फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ काम भी करेंगे। हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर नेहा धुपिया के रेडियो शो पर पहुंचे, जहां उनसे रणबीर आलिया को लेकर सवाल किया गया। नेहा ने पूछा कि अगर आपको रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लिए कोई गाना डेडिकेट करना हो तो आप कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे। इस पर करण जौहर अपनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के टाइटल ट्रैक का नाम ले चुके थे। बता दें, रणबीर कपूर ने करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में लीड रोल प्ले किया था। रणबीर और आलिया भट्ट ने शुरू में तो अपने रिश्ते को छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बाद में खुलकर इस बात को स्वीकारा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आलिया रणबीर के प्रति अपनी भावनाओं को पहले ही खुलकर स्वीकार चुकी थी। रणबीर ने भी देर सवेर ये कह दिया कि वो आलिया को पसंद करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बहुत ही जल्द फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ नजर आएंगे। ये पहली बार होगा कि जोड़ी बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेगी। फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो रणबीर आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन भी इसमें अहम किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं रणबीर के खास दोस्त आयान मुखर्जी।